होली की राख बनाएगी आपको मालामाल। मात्र एक मुट्ठी होली की राख का करें यह उपाय, रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। देश भर में होली के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन ही होली खेली जाती है। इस साल 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, 8 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा बताया जाता है होलिका दहन की राख से कुछ खास उपाय करने से इंसान को दुखों से छुटकारा मिल जाता है। होली इसलिए भी महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि इसमें होलिका दहन होता है। इस दहन को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हवन भी माना जाता है। इस हवन में न केवल लोग अपने अंदर की बुराई का दहन करते हैं बल्कि जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस बार होली का त्यौहार खास रहने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, होली तो हर साल आती है, इस बार ऐसा क्या खास है? दरअसल इस दिन कई तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जैसे इस बार होली के दिन अमृत योग, सवार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही गुरु और बुद्ध का आदित्य योग बन रहा है। आदित्य योग में होली की पूजा करने से और खास उपाय करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में तुरंत ही उसको सुख समृद्धि का वास मिल जाता है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस दिन अपनाते हैं तो अवश्य ही आपकी सारी समस्याओं का निवारण इस होली के साथ हो जाएगा। होलिका दहन के बाद स्थल पर बची हुई राख बहुत ही काम की होती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। आज आपको हम ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो होलिका की रात के साथ किया जाता है और जीवन की हर समस्या को दूर कर दिया जाता है। साथ ही होलिका की राख में व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को दूर करने की क्षमता होती है। होलिका की राख को पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही सर्वशक्तिशाली माना गया है। अगर इसके कुछ खास उपाय किए जाएं तो आपकी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है और आपके जीवन की आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति भी मिल सकती है दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा से हमेशा आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी जेब कभी भी खाली ना हो, तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय। और दोस्तों आपकी जो भी राशि है उस राशि को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे आपको होलिका में फ़ायदा हो सके उसके बारे में हम आपको रिप्लाई के द्वारा बता देंगे। तो दोस्तों जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये कोई सरल से उपाय नहीं है बल्कि वेद पुराण, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथों से हम ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं। और इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन की कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आपके घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है, आपके घर के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप दवाई करा करा के परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों बस इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देख लीजिए क्योंकि होली की राख के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आपकी किसी भी तरीके की परेशानी को ख़त्म कर सकती है। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग सकती है, जो भी बाधाएं आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी वह ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर की आर्थिक स्थिति सही होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर के प्रत्येक लोगों की उन्नति होगी। बस होली के राख के उन उपायों को कर लीजिए जो लाल किताब, वास्तुशास्त्र, तांत्रिक शास्त्र और वेदों और पुराणों में लिखे हुए हैं और दोस्तों उसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। बस आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों जिस मुहूर्त में आपको उपाय करने को बोला जाए उसी मुहूर्त में उस उपाय को कीजिएगा और अवश्य ही आपको उसका लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर आप किसी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक से पूजा पाठ करवाएंगे तो देखिए उसका फल तो आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। लेकिन जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, धनतेरस हो गया, होली हो गई, इस दिन अगर आप थोड़े से उपाय सही तरीके से खुद ही सिद्ध कर दें, खुद ही पूजा को करके सिद्ध कर दें तो मान के चलिए उसका लाभ आपको उसी वक्त तुरंत ही मिल जाता है। और दोस्तों होलिका दहन का दिन वो दिन होता है, इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की थोड़ी सी पूजा सही तरीके से किया जाए तो हमको इनका आशीर्वाद मिल जाता है, तुरंत ही हमको आशीर्वाद दे देते हैं। होलिका दहन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं और देखती हैं किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है। भगवान विष्णु जी के भक्त जो हैं उनके लिए पूजा पाठ करते हैं इस दिन। तो दोस्तों ये जितने भी आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं ये ऐसे शक्तिशाली उपाय हैं जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हर जीवन की समस्या की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इन उपायों को नज़रअंदाज ना करके कहीं लिख लीजिए और अपने दोस्त यारों तक पहुँचा दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका ग्रह दोष है, वाशु दोष है,
आपकी 7:30 ही चल रही है, शनि दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, मतलब किसी भी प्रकार का दोष है आपके ऊपर, कितना ही भयानक दोष है, उस दोष का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह उपाय जो आप करेंगे, यह उपाय करने के बाद साक्षात आपको महादेव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। देवों के देव अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो साक्षात उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह वही उपाय है, आपको होली की राख लेकर के आनी है। आपको होली की राख लेकर के अपने घर पर ला करके किसी ऐसे लोटे में रख देना है जो एकदम साफ़ लोटा हो। बस उसको लोटे को फिर लाल कपड़े से मौली धागे से बांध करके रख देना है। जब भी सोमवार का दिन आता है, पहला सोमवार जब भी होली के बाद आता है, आपको सिर्फ यह करना है, एक लोटा जल ले लेना है, उसी में 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है और घर के पास वाले किसी भी शिवालय जा करके आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, उनका अभिषेक करना है इसी होली की राख से। इतना उपाय अगर आपने होलिका दहन के बाद के पहले सोमवार को कर लिया, दोस्तों आपका कितना ही बड़ा दोष हो, शनि दोष, 7:30 या कोई भी दोष हो, देवों के देव महादेव के आशीर्वाद के बाद आपके दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके दोषों का आपके ऊपर प्रकोप कम होने लग जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपके घर के प्रत्येक लोगों की तबीयत सही नहीं रहती है, मान लीजिए आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप इस चीज़ को देख देख के बड़ा परेशान हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि जो भी घर का मुखिया है, जो भी A to Z, चाहे आपके माता जी हों चाहे आपके पिताजी हों, उनके दाहिने हाथ के बराबर एक काला धागा ले लीजिए। उस काले धागे को आपको बस यह करना है कि घर के प्रत्येक लोगों के सर के ऊपर से 2-2 बार घुमा लेना है, बाईं ओर से दाईं ओर 2-2 बार घुमा लेना है। इसी काले धागे को ले जा करके जलती हुई होलिका दहन में आपको फेंक देना है। अब जब होलिका दहन समाप्त हो जाए, वहाँ से राख उठा करके लेकर आना है। इसको आपको लाने के बाद घर के किसी भी लोटे में डाल करके पानी मिला करके इसका पूरे घर में छिड़काव कर देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपके घर में जो आपसी मतभेद है वह खत्म हो जाएगा, आपके घर में जो रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गृह कलेश हो रहा था, वह बंद हो जाएगा और आपके घर का वातावरण बड़ा ही स्वच्छ हो जाएगा। दो उपाय हम आपको बता चुके हैं, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आर्थिक तंगी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों आपका बेफिजूल खर्चा बहुत होता है, आपके पास जो पैसा आता है वो रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, वो खर्च हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, होलिका दहन की राख को उठा करके ले आइए। आपको होलिका दहन की राख को उठा करके ले आना है, इसको लाल कपड़े में मौली धागे से बांध करके अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेना है, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं जहाँ से पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए जो बेफिजूल खर्ची आपकी हो रही थी वो होना बंद हो जाएगी। जो भी मतलब ऐसे कोई दोष लगे थे, कोई नज़र लग रही थी आपके ऊपर कि पैसा रुक नहीं रहा था, आपके पास टिक नहीं रहा था, वह खत्म हो जाएगा। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपके तारे आपका साथ देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो क्या करना है आपको, होलिका दहन की राख को उठा करके लाना है, घर पे लाइए, किसी भी पीले कपड़े पर रख दीजिए इस होलिका दहन की राख को। अब इस पीले कपड़े को आपको मौली धागे से बांध देना है, घर के पूजा घर पर इसको रखिए। अगले दिन मतलब 8 मार्च को आपको सुबह सो करके उठना है, जो होली का दिन है, आपको सिर्फ घर के पूजा घर पर जाना है जहाँ आपने वो होली की राख रखी है। अब आपको यह करना है कि हाथ जोड़ करके घर के पूजा घर पर जहाँ पे पीला कपड़ा आपने होलिका की राख के साथ रखा है, आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको कुल 101 बार करना है और इस पीले कपड़े को अपने घर की छत पर रख देना है। सिर्फ इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु, आपके नवग्रह, आपके तारे हमेशा आपका साथ देंगे। देखिए छत पे क्यों रखवाया हमने, आपको बता दें किसी भी व्यक्ति के जो राहु केतु होते हैं, नवग्रह होते हैं, वह उसकी छत पर वास करते हैं, तो ऐसी जगह छत पर रखेगा जहाँ से उसको कोई साल भर हटाए ना। अगले साल होलिका दहन पे आपको यही पीले कपड़े को किसी भी बहती नदी में बहा देना है और फिर से यही क्रिया अपनानी है। बस यह उपाय कर लीजिए और आपका राहु केतु पूरे साल आपके साथ रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हो चुके हैं ये देख देख के कि आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग जाती है लेकिन आप वही के वही बैठे हुए हैं, तो यह उपाय कर लीजिए, जो भी बाधाएँ आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी वह बाधाएँ हट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उपाय बड़ा सरल सा है, आपको सिर्फ यह करना है, एक नारियल लेना है, कच्चा नारियल, उसको 2 भाग में बांट लेना है, आधे नारियल में काला नमक आपको भर देना है, अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है, होलिका दहन की आग में ले जाकर के उस नारियल को फेंक देना है। होलिका दहन जब हो जाए, उसकी राख बन जाए, उसी राख को उठा करके घर पर लाना है, आपको किसी भी काले कपड़े में बांध करके अपने पढ़ने वाले कमरे में रख लेना है। जो भी बाधाएँ, जो भी बुरी नज़र, जो भी ऐसी कोई शक्ति थी, कोई दिक्कतें थी जो आपके नौकरी की लगने में बाधाएँ में आ रही थी, आपकी नौकरी जिसकी वजह से लग नहीं पा रही थी,
अवश्य ही वो सारी दिक्कतें, संकट जो होगा वो हट जाएगा, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो राख आप लेकर आए हैं, यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी, भगवान नरसिंह जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी नौकरी संबंधित जो भी दिक्कतें होंगी वह नष्ट हो जाएंगी और आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर की बरकत होगी, आपके घर से काला जादू खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत सरल सा उपाय है, आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, आपको होलिका की राख लानी है। आपको होलिका की राख लाने के बाद घर के हर कोने में इसको रख देना है। होलिका की राख लाने के बाद हर कोने के घर के कोने में रख दीजिए। इस कोने में रखने के बाद अगले दिन इसी को किसी तरीके से उठा लीजिए। उठाने के बाद इसको आपको बहती हुई नदी में बहा देना। अगर आप इतना कर देते तो मान लीजिए आपके घर पर जो भी बुरी नज़र, काला जादू, बंधन था वो हमेशा के लिए उस बहती हुई नदी में चला जाएगा। यह उपाय हर व्यक्ति करता है दोस्तों, हर व्यक्ति। अब यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह उपाय ऐसा उपाय है जिसके बाद जो आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे। देखिए दोस्तों, जब आप कामयाब होने लग जाते हैं तब आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है, लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, लोग गुट्ठ बना करके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को अपनाने के बाद मान के चलिए जो भी आपके शत्रु होंगे वो आपकी तरफ नज़र भी नहीं उठाएंगे, जो भी आपके शत्रु होंगे वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। उपाय बड़ा सरल सा है, आपको एक गोमती चक्र खरीद करके लाना है। दिन के समय गोमती चक्र खरीद करके ले आइए। होलिका दहन जब जल रही हो, आपको होलिका दहन के बाद जाना है बाईं ओर से दाईं ओर 7 परिक्रमा करनी है। इस गोमती चक्र को उसी में डाल देना है, होलिका दहन की आग में डाल देना है। अब देखिए होगा यहाँ पर ये कि आपने जो गोमती चक्र डाल दिया है, इसके बाद आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो कभी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जैसे भगवान नरसिंह जी ने अपने भक्त प्रहलाद की मदद की थी, प्रहलाद को बचाया था होलिका दहन की आग से, उसी प्रकार से भगवान नरसिंह जी के आशीर्वाद से आप बचे रहेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। उल्टा जो आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं उन पर ऐसा दोष लग सकता है कि वो बीमार पड़ सकते हैं, वो अपने जीवन में बहुत तंग आ सकते हैं, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह ऐसा उपाय है जिसको श्रद्धा रखते हुए किया जाए तो दोस्तों भगवान नरसिंह जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिलता है और आप अपने जीवन में ऐसे शत्रुओं से बचे रहते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय भगवान नरसिंह लिखना मत भूलिएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों मान लीजिए आपके पास पहले धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। धन जो आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। जो आपके घर पर धन रखा हुआ है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, यह उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं ये एक ऐसा महा उपाय है जिससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा आपको जिसके बाद धन संबंधित सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएंगी। बहुत सरल उपाय है दोस्तों, आपको होलिका की राख लेकर के आनी है और उसी रात आपको यह उपाय करना है। होलिका की राख लेकर के आनी है, घर पर एक लाल कपड़ा आपको रखना है। लाल कपड़ा ऐसी जगह रखना है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो, मूर्ति रखी हो, मतलब पूजा घर पर लाल कपड़ा रखना है। उस पर आपको होलिका की राख रखनी है। होलिका की राख के ऊपर आपको 21 चावल के दाने रखने हैं। उसके ऊपर कच्ची हल्दी रखनी है, कच्ची हल्दी रखिएगा, पीसी हल्दी नहीं रखिएगा। कच्ची हल्दी के ऊपर आपको एक चुटकी सिंदूर रखना है। अब इस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है जो इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रिय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रिय नमः। इस बीज मंत्र का जाप कुल 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र को बोलने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में, या आप व्यापारी हैं तो वहाँ पर आपको रख लेना है। अब होगा ये, जो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियाँ आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वो वापस से आना शुरू हो जाएगा और जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा, टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो होलिका दहन के दिन किए जाएँ तो हमें अपने जीवन की हर दिक्कत से छुट्टी मिल सकती है। इसलिए निवेदन है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय भगवान नरसिंह, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को अवश्य ही लाइक